हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पर एक जनरल केस कंसिडर करेंगे। यहाँ पे पहला डाइपोल ओरिजिन पे लोकेटेड है और एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है। इसका डाइपोल मोमेंट है P1 वेक्टर। पहले डाइपोल से r डिस्टेंस पर और थीटा एंगुलर पोजिशन पर सेकेंड डाइपोल लोकेटेड है। सेकेंड डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है P2 वेक्टर और ये रेडियल डायरेक्शन से अल्फा एंगल पे ओरिएंटेड है। अपने को इन दोनों डाइपोल्स के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पता करना है, तो चलिए अपन फोर्स कैलकुलेट करते हैं। वेरिएबल फील्ड के अंदर डाइपोल पर फोर्स का एक्सप्रेशन ये होता है, F वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर डॉट डेल ऑपरेटर इनटू ई वेक्टर। यहाँ पे अपन P2 पे P1 की वजह से फोर्स निकाल रहे हैं, तो P वेक्टर की जगह तो अपन P2 वेक्टर लिखेंगे और ई वेक्टर हो जाएगा पहले डाइपोल की वजह से सेकेंड डाइपोल की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपन P2 वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं, P2 वेक्टर इज इक्वल टू, इसका एक कंपोनेंट तो रेडियल डायरेक्शन में आएगा इधर की ओर, जो रहेगा P2 कोस अल्फा, और एक कंपोनेंट थीटा की डायरेक्शन में आएगा ट्रांसवर्स कंपोनेंट, जो इधर की ओर आएगा ये रहेगा P1 साइन अल्फा। तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में मैं ये लिख सकता हूँ, P2 कोस अल्फा आर कैप प्लस P2 साइन अल्फा थीटा कैप। अब डेल ऑपरेटर की वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये होती है, डेल इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल आर आर कैप प्लस 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा थीटा कैप। P2 वेक्टर और डेल ऑपरेटर के बीच डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट ही आ जाएगा P2 वेक्टर डॉट डेल इज इक्वल टू आर कैप वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म तो ये आ जाएगी P2 कोस अल्फा डेल अपॉन डेल आर, फिर थीटा कैप वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा P2 साइन अल्फा अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा। और अब अपन फोर्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे, F वेक्टर इज इक्वल टू P2 वेक्टर डॉट डेल E वेक्टर। इसको अपन ये लिख सकते हैं, P2 कोस अल्फा डेल ई वेक्टर अपॉन डेल आर प्लस P2 साइन अल्फा अपॉन आर डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा। अब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड को आर और थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना होगा, यानी अपन डेल ई वेक्टर अपॉन डेल आर और डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा, इन दोनों की वैल्यू अपन अब कैलकुलेट करेंगे। पहले डाइपोल से आर डिस्टेंस पर और थीटा एंगुलर पोजीशन पर फील्ड का एक्सप्रेशन ये होगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू, फील्ड का एक रेडियल कंपोनेंट होगा 2KP1 कोस थीटा अपॉन आर क्यूब, और एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा KP1 साइन थीटा अपॉन आर क्यूब थीटा कैप। अब अपन इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आर के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। जब अपन आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो थीटा को तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे,
यहां पर अपन देखेंगे वेरिएबल टर्म केवल 1 अपॉन आर क्यूब है, तो कॉन्स्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं, 2 के P1 कॉस थीटा डी बाई डी आर ऑफ 1 अपॉन R³ आर कैप प्लस KP1 साइन थीटा डी बाई डी आर ऑफ 1 अपॉन R³ थीटा कैप। अब डी बाई डी आर ऑफ 1 अपॉन R³ जिसको मैं ये लिख सकता हूँ R⁻³, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -3 अपॉन R⁴। ये वैल्यू मैं ऊपर पुट कर देता हूँ, तो डेल ई वेक्टर अपॉन डेल आर ये आ जाएगा -6 KP1 cos थीटा अपॉन R⁴ r कैप -3 KP1 साइन थीटा अपॉन R⁴ थीटा कैप। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। अब अपन डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा कैलकुलेट करेंगे। थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते वक्त अपने को दो चीजों का ध्यान रखना होगा। एक तो अपन थीटा को वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे और आर को अपन कांस्टेंट रखेंगे। दूसरा, यहाँ पे आर कैप और थीटा कैप भी चेंज होंगे। इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं, जब अपन आर को कांस्टेंट रखते हुए थीटा को डी थीटा से चेंज करेंगे तो ये रेडियस वेक्टर रोटेट हो जाएगा। पहले रेडियस वेक्टर ये था और अब नया रेडियस वेक्टर ये होगा। तो अपन ये देखेंगे आर कैप और थीटा कैप ये दोनों भी डी थीटा से रोटेट हो जाएंगे। अब जो नया आर कैप होगा उसको अपन आर डैश कैप कहेंगे और जो नया थीटा कैप होगा उसको थीटा डैश कैप कहेंगे। तो ये दोनों यूनिट वेक्टर भी डी थीटा से रोटेट हो गए हैं। इसका मतलब डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा कैलकुलेट करते वक्त अपने को थीटा को, आर कैप को और थीटा कैप को, इन तीनों को वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है। तो डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा ये हो जाएगा पहली टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 के P1 अपॉन R³, इसको तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, डेल अपॉन डेल थीटा ऑफ कॉस थीटा आर कैप। सेकेंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं KP1 अपॉन R³, इसको बाहर निकाल लेंगे डिफ्रेंशिएशन साइन से, डेल अपॉन डेल थीटा ऑफ साइन थीटा थीटा कैप। अब अपन ये देखेंगे डिफरेंशिएशन साइन के अंदर दो टर्म्स हैं तो अपन प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल से डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा ये आ जाएगा 2 के P1 अपॉन R³ इंटू, पहले अपन कोस थीटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं, आर कैप को एज इट इज रखेंगे, कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा -sin थीटा, आर कैप को एज इट इज रखा, फिर अपन कोस थीटा को एज इट इज रखते हैं, आर कैप को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेकेंड टर्म में देखिए KP1 अपॉन R³, पहले अपन साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा कैप को एज इट इज रखेंगे, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा कैप को एज इट इज रखा, फिर साइन थीटा को एज इट इज रखते हैं,
थीटा कैप को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी थीटा कैप अपॉन डी थीटा। अब अपने को डी आर कैप अपॉन डी थीटा और डी थीटा कैप अपॉन डी थीटा कैलकुलेट करना होगा। अपने को ये पता है जब अपन थीटा को डी थीटा से चेंज करते हैं, थीटा को अपन थीटा प्लस डी थीटा कर देते हैं, तो उस केस में ये यूनिट वेक्टर भी डी थीटा से रोटेट हो जाते हैं। जैसे पहले आर कैप इधर की ओर पॉइंट कर रहा होगा, पहले ये आर कैप था, अब जो नया आर कैप का डायरेक्शन होगा वो इधर की ओर रहेगा। पहले ये आर कैप था, अब जो नया यूनिट वेक्टर होगा रेडियल डायरेक्शन में उसको आर डैश कैप कह देते हैं, और ये एंगल अपने पास है डी थीटा। तो आर कैप के अंदर जो चेंज आएगा वो ये वेक्टर रहेगा, ये वेक्टर होगा डी आर कैप। अब अपन अगर आर्क लेंथ वाला फॉर्मूला यूज करें, आर्क लेंथ की वैल्यू होती है रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगल। यहाँ पे ये देखिए, ये जो दोनों रेडियस वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर हैं, तो इनकी लेंथ आपकी वन रहेगी। एंगल अपने को दिया हुआ है डी थीटा, तो आर्क लेंथ हो जाएगी वन इंटू डी थीटा, यानी आर्क लेंथ ये आएगी डी थीटा के बराबर। अब डी आर कैप की डायरेक्शन क्या है, ये आर कैप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर देखिए, ये जो डी आर कैप है इसकी डायरेक्शन आर कैप के परपेंडिकुलर है, तो इसकी डायरेक्शन थीटा कैप रहेगी। तो यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं डी आर कैप अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू थीटा कैप। सिमिलरली अपन डी थीटा कैप अपॉन डी थीटा पता करते हैं, तो यहां पर देखिए, इनिशियली थीटा कैप इधर की ओर पॉइंट कर रहा था, ये थीटा कैप था, और जब अपन रेडियस वेक्टर को डी थीटा से रोटेट कराते हैं तो जो नया थीटा कैप होगा वो आपका इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा इधर की ओर, ये इधर की ओर पॉइंट करेगा, इसको अपन थीटा डैश कैप बोल देते हैं। तो थीटा कैप में जो चेंज आया है वो ये वेक्टर रहेगा जिसको मैं डी थीटा कैप लिख देता हूं। अब डी थीटा कैप इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो अपन आर्क लेंथ के फॉर्मूला से लिखेंगे। आर्क लेंथ हो जाएगी रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल, ये एंगल आपका डी थीटा है, रेडियस तो वन के ही बराबर है यहाँ पे, तो वन इंटू डी थीटा। और इसकी जो डायरेक्शन देखेंगे वो अपन ये देखेंगे ये आर कैप के अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन माइनस आर कैप होगी। तो यहां से अपन ये लिख सकते हैं डी थीटा कैप अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस आर कैप। ये दोनों वैल्यू अपन डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा के एक्सप्रेशन में लिख देते हैं, तो उससे अपने को क्या मिलेगा वो अपन देख लेते हैं। ये दोनों वैल्यू अपन एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो अपने पास ये आएगा डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू 2kP1 अपॉन आर क्यूब इंटू माइनस साइन थीटा आर कैप। और यहाँ पे डी आर कैप अपॉन डी थीटा की जगह अपन थीटा कैप रख देते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस कोस थीटा थीटा कैप प्लस KP1 अपॉन आर क्यूब इंटू कोस थीटा थीटा कैप प्लस साइन थीटा। डी थीटा कैप अपॉन डी थीटा की वैल्यू माइनस आर कैप के बराबर है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं माइनस आर कैप। अब अपन आर कैप वाली टर्म्स को एक जगह लिख लेते हैं और थीटा कैप वाली टर्म्स को एक जगह,
तो डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा ये आ जाएगा माइनस 3 के P1 अपॉन R³ साइन थीटा आर कैप प्लस 3 के P1 अपॉन R³ कोस थीटा थीटा कैप। तो इस तरह से अपन ने डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा और डेल ई वेक्टर अपॉन डेल आर दोनों की वैल्यू अपन फोर्स के एक्सप्रेशन में रखेंगे। अब अपन डेल ई वेक्टर अपॉन डेल आर और डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा की वैल्यू फोर्स के एक्सप्रेशन में रखते हैं। तो फोर्स वेक्टर ये हो जाएगा डेल ई वेक्टर अपॉन डेल आर को P2 कोस अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहली टर्म तो ये आएगी -6 K P1 P2 कोस थीटा कोस अल्फा अपॉन R⁴ R⁻। और सेकेंड टर्म ये आएगी -3 K P1 P2 साइन थीटा कोस अल्फा अपॉन R⁴ थीटा कैप। अब डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा को अपन P₂ sin अल्फा अपॉन आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो थर्ड टर्म ही आ जाएगी -3 K P₁ P₂ साइन थीटा साइन अल्फा अपॉन R⁴ R⁻। और फोर्थ टर्म ये रहेगी प्लस 3 K P₁ P₂ कोस थीटा साइन अल्फा अपॉन R⁴ थीटा कैप। इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक रेडियल कंपोनेंट और एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो मैं आर कैप वाली टर्म्स को अलग लिख लेता हूँ, इसको रेडियल फोर्स बोल देंगे, और थीटा कैप वाली टर्म्स को अलग लिख लेते हैं, इसको ट्रांसवर्स कंपोनेंट कह देंगे। एफ आर की वैल्यू ये आ जाएगी, रेडियल फोर्स ये आएगा एफ आर इज इक्वल टू -6 K P₁ P₂ कोस थीटा कोस अल्फा अपॉन R⁴ -3 K P₁ P₂ साइन थीटा साइन अल्फा अपॉन R⁴। इसी तरह से थीटा कैप वाली टर्म्स को अलग लिख लेते हैं, तो एफ थीटा ही आ जाएगा, एफ थीटा इज इक्वल टू -3 K P₁ P₂ साइन थीटा कोस अल्फा अपॉन R⁴ प्लस 3 K P₁ P₂ कोस थीटा साइन अल्फा अपॉन R⁴। ये अपने पास आ जाएगा। अब अपन इनको एडजस्ट करके लिखते हैं, तो एफ आर को तो मैं ये लिख सकता हूँ, रेडियल फोर्स तो ये आ जाएगा -3 K P₁ P₂ अपॉन R⁴। इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर ये रहेगा 2 cos थीटा कोस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा। और इसको अपन ये लिख सकते हैं एफ आर इज इक्वल टू -3 K P₁ P₂
अपॉन आर टू द पावर फोर, एक कोस थीटा, कोस अल्फा को तो अलग लिख लेता हूं, और जो कोस थीटा कोस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा रहेगा उसको मैं ये लिख सकता हूं कोस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। तो ये फोर्स का रेडियल कंपोनेंट आ जाएगा। अब फोर्स के ट्रांसवर्स कंपोनेंट को भी एडजस्ट करके लिखेंगे, तो एफ थीटा को ये लिख सकते हैं, एफ थीटा इज इक्वल टू माइनस 3 K P1 P2 अपॉन आर टू द पावर 4 इंटू साइन थीटा कोस अल्फा माइनस कोस थीटा साइन अल्फा। और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको अपन ये लिख सकते हैं माइनस 3 K P1 P2 अपॉन आर टू द पावर 4, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म ये हो जाएगी साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। तो ये फोर्स का ट्रांसवर्स कंपोनेंट आ जाएगा, और नेट फोर्स इन दोनों कंपोनेंट्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। फ्रेंड्स, आज अपन ने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के लिए जनरल केस में फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया है। इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप पहले 6 पार्ट के अंदर मैंने जो प्रॉब्लम्स ली थी उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।